हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे आटे के मोदक। तो फिर आइए चलिए शुरू करते हैं। आटे के मोदक बनाने के लिए यहाँ पे हम लेंगे 1 कप गेहूं का आटा है, ना ये मोटा है ना बारीक पिसा हुआ है, मीडियम पिसा हुआ आटा है। जैसे हम नॉर्मली रोटी का आटा लेते हैं वही आटा मैंने यहाँ पर लिया है। इसमें हमने ऐड कर देंगे अब 3 चम्मच घी। घी डाल के हम अच्छे से आटे में मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा घी भी हम इसमें नहीं डालेंगे क्योंकि जैसे जैसे आटा सिकेगा तो घी को छोड़ता जाएगा। तो अब हम इस तरह से इसको धीमी आंच पे ही सेकते जाएंगे, इस तरह से चलाते रहेंगे और इसको सेकते रहेंगे। देखिए इसका हल्का हल्का कलर चेंज होने लग गया है, ये देखिए। अगर आपको घी थोड़ा सा कम लगता है तो आप इस समय थोड़ा सा घी आधी चम्मच और इसमें ऐड कर दें। तो अब इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लग गई है और ये लगभग सिक भी चुका है, इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया है। तो मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह से बारीक कुटे हुए काजू। ये बिल्कुल ऑप्शन है, आपकी इच्छा हो तो डालें, वरना आप इसके बिना भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस को बंद कर दिया है। गैस को बंद करने के बाद भी हम थोड़ी सी देर इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो आटा है वह नीचे चिपके नहीं और ज़्यादा सिके नहीं। तो अब इसको हम ठंडा होने देंगे। ठंडे होने के बाद ही हम इसमें बाकी के सामानों को ऐड करेंगे, बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है। आटे को मैंने एक मिक्सिंग बाउल में निकाल लिया है। इसके बाद में इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई इलायची और कुछ इस तरह से पिसे हुए पिस्ता, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। इसी के साथ में 1 चम्मच यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट डाला है, यानी कोकोनट का बुरा, नारियल का बुरादा इसमें डाला है। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। इन सब सामानों को अभी हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। आटा हमारा हल्का सा गर्म है, इस समय हम इसमें डाल देंगे 1/2 कप गुड़। तो गुड़ को मैंने इस तरह से कर लिया है, कूट लिया था। अगर आप चाहो तो इसे है ना चक्कू की सहायता से खुरच के भी इसमें डाल सकते हो, या ग्रेट करके भी गुड़ को आप इसमें मिक्स कर दो। आटे को और गुड़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए ये अच्छे से बन रहा है, मतलब हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है ये। तो यहाँ पे मैंने जो मोल्ड लिया है मोदक बनाने के, छोटे वाले मोल्ड लिए, उसको मैंने घी से ग्रीस कर लिया था, वो पहले रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। तो घी से ग्रीस करने के बाद में हम इस तरह से बंद करके और उसमें ये हमारी फिलिंग को भर देंगे। उसको अच्छे से हम इस तरह से दबा दबा के भर देंगे। तो ये देखिए हमारे छोटे साइज के मोदक बन के तैयार हो जाएंगे, जो दिखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं और किसी को प्रसाद के रूप में भी दे तो बहुत अच्छे लगेंगे। देखिए कितने सुंदर मोदक हमारे बनके तैयार हुए हैं। इसी तरह से हम बड़े साइज के भी मोदक बना के तैयार कर सकते हैं। इसको भी मैंने घी से ग्रीस कर लिया था मोदक के मोल्ड को, और इस तरह से हम दबा दबा के इसमें ये हमारा मिक्सचर भर लेंगे, इस तरह से भर देंगे। ये हमारा मोदक में अच्छे से मिक्सचर भर चुका है, तो मैं आपको खोल के बताती हूँ। ये देखिए एक और बना के बता देती हूँ मैं। ये देखिए इसी तरह से हम बाकी के सारे मोदक भी बना के तैयार कर लेंगे। तो इस पर कुछ सजाने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन मैं इस पर डेकोरेट करने के लिए चांदी का वर्क लगा रही हूँ, जिससे कि दिखने में बहुत सुंदर लगे। तो ये हमारे बड़े साइज़ के मोदक और छोटे साइज़ के प्रसाद के मोदक दोनों बन के तैयार हो गए हैं। आप कौन से मोदक बनाएंगे मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। तो फिर मिलते हैं जल्दी एक और नए रेसिपी के साथ। तब तक आपके परिवार को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।